हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजी मेंटो। जैसा कि हम सब जानते हैं, गेट 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है और यहाँ पर आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए हैं, एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस किए गए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा इस बार आप एक से ज्यादा पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये आपके लिए बिल्कुल ही न्यू पॉइंट है। तो ये सारे के सारे पॉइंट, सारे के सारे टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। लेकिन जो आज की वीडियो का मेन एम है, मेन टारगेट है, वो यही है कि आपके सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हैं, किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक ऐड किए गए हैं या कौन कौन से टॉपिक रिमूव किए गए हैं, ये सारा डिस्कशन हम डिटेल में करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक ऐड या रिमूव किए गए हैं, ये आपके लिए क्या बेनिफिशियल हैं या अब आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा स्टडी करने में, ये सारे पॉइंट्स भी यहां पर मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ ब्रीफ में डिस्कस कर लेता हूं। जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा हम जानते हैं, इस बार थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं और ये बहुत ही अच्छा मूव है। इसके बारे में वीडियो के एंड में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करूंगा। और जो आपका सेकंड पॉइंट है वो आपका ये है कि इस बार आप एक से ज्यादा पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो, बेसिकली कंप्यूटर साइंस वाले मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कोई अपना कैरियर मैथ्स फील्ड में बनाना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इस पॉइंट के बारे में भी मैं डिटेल में लास्ट में वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी हम यहां पर स्टार्ट करेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। डीजी मेंटो एजुकेशन इज इंडियाज बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रिपेयर फॉर गेट, NTA, UGC, NET एंड PGT कंप्यूटर साइंस। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.digimento.com पर विजिट करें। अब हम आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, जिसके लिए आज की वीडियो यहां पर मैंने बनाई है आपके लिए। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर मैंने मेंशन किए हैं सब्जेक्ट्स एडेड एंड रिमूव्ड। तो बेसिकली ना यहां पर मैंने वही सब्जेक्ट मेंशन किए जिनमें चेंजेस हैं, भले छोटा सा चेंज क्यों ना हो मैंने यहां पर मेंशन कर दिए हैं। और जिन सब्जेक्ट्स में से कोई चेंजेस नहीं है, लाइक आप बोल सकते हो डाटा स्ट्रक्चर, सी, डिजिटल लॉजिक, इन सबको मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया है। एल्गोरिथम हो गया आपका, तो यहां पर अगर आप समझोगे तो डिस्क्रीट मैथ्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर डिजाइन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, टोटल आपके 5 सब्जेक्ट मैंने मेंशन किए हैं। यकीन मानो इसमें से भी ना 2 या 3 सब्जेक्ट में ना सिर्फ चेंज बोलने को है, हुए नहीं है एक्चुअल में। तो यहां पर ना चेंजेस बहुत कम है और जो भी चेंज हुए हैं ना वो आपके बेनिफिट के लिए हुए हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा और अच्छे चेंजेस है, बेसिकली स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए ही चेंजेस किए गए हैं। तो यहां पर अगर मैं 1 by 1 डिस्कशन करूं आपके साथ, तो आप देखिए जो पहला है डिस्क्रीट मैथ्स मोनोइड्स, बेसिकली अगर आपने पहले प्रिपरेशन कर रखी है या आपने डिस्क्रीट मैथ्स इस साल पढ़ लिया है तो आपको पता है कि मोनोइड्स जो है वो आप पढ़ते ही थे पहले से ही, ठीक है। मोनोइड्स ऐसा टॉपिक है, जब आप ग्रुप थ्योरी स्टडी करते हो तो मोनोइड्स आप पढ़ते ही पढ़ते हो, तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं हुआ है। बस इस बार चेंज क्या है कि इस बार ना आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है मोनोइड्स, पहले मेंशन नहीं किया जाता था लेकिन आप फिर भी स्टडी करते थे। तो ना मैं एक पॉइंट आपको यहां पर ना पहले बता देता हूं कि ऐसे टॉपिक्स जो पहले तो आप पढ़ते थे लेकिन वो मेंशन नहीं होते थे डायरेक्टली, लेकिन अब मेंशन कर दिए गए हैं, तो आप ना ये बात समझ सकते हो कि हो सकता है कि इस साल उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ जाए। तो आप क्या कर सकते हो, आप उनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दे सकते हो, थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप सिंपली थोड़ा सा और अच्छे से थ्योरी उसकी स्टडी कर सकते हो। और एज अ टीम डीजी मेंटो हमारा भी यही टारगेट रहेगा कि ऐसे टॉपिक्स पे हम आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कवरेज प्रोवाइड करें ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो पाए। तो यहां पर आप देखो जो सेकेंड है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, यहां पर है आपका पाइपलाइनिंग हैजार्ड्स, ये भी सेम ऐसा ही टॉपिक है जो आप पहले से स्टडी करते आए हो, आप थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा एफर्ट और दे सकते हो। तो स्टार्टिंग के जो 2 सब्जेक्ट मैंने मेंशन किए, बेसिकली उनमें कोई चेंजेस है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा कवरेज यहां पर प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो पाए। यहां पर नेक्स्ट देखो आप ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम कॉल्स एंड IO शेड्यूलिंग, अगेन ये भी ऐसा ही है जो आप पहले से पढ़ते आए हो, लेकिन ये बात आप बोल सकते हो कि यहां पर इन टॉपिक्स में अब आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब ये मेंशन किए गए हैं, इनमें आप बिल्कुल बेसिक्स पढ़ते आए हो लेकिन अब आपको थोड़ा डिटेल्ड में जाकर इन्हें स्टडी करना होगा। पॉइंट क्लियर है, ये बेसिकली सभी टॉपिक्स के लिए है लेकिन यहां पर थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट देना, क्लियर हो गया पॉइंट। यहां पर नेक्स्ट आप देखो कंपाइलर डिजाइन,
यहां पर आप बोल सकते हो चेंजेस हैं। बेसिकली क्या चेंजेस हैं यहां पर, देखो अगर मैं ये पूरे टॉपिक को समराइज कर दूं तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि कोड ऑप्टिमाइजेशन ये टॉपिक आपका इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे टॉपिक हैं, आप देखो लोकल ऑप्टिमाइजेशन, डाटा फ्लो एनालिसिस, कॉन्स्टेंट प्रोपगेशन, लाइवनेस एनालिसिस, कॉमन सब एक्सप्रेशन, एलिमिनेशन, आपको लग रहा होगा बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन इतने बड़े टॉपिक्स ये हैं नहीं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सिलेबस यहां पर मेंशन कर दिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टडी करोगे ना तो वन डे भी इनफ है, मतलब अगर आप वन डे बैठ के अच्छे से इसे स्टडी करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो आप बड़े आराम से पूरे टॉपिक को समझ जाओगे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे एक ही दिन में। बेसिकली क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए ना आप ये कर सकते हो, पहले ये टॉपिक था आपका सिलेबस में बहुत सालों पहले, तो वहां पर आप जाकर क्वेश्चन देख सकते हो, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोड ऑप्टिमाइजेशन के आप प्रॉब्लम भी यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको ये समझना है कि ये चेंज दिख बड़ा रहा है लेकिन इतना बड़ा है नहीं, बहुत छोटा सा एक टॉपिक है कोड ऑप्टिमाइजेशन, जिसको आप बड़े आराम से कवर कर सकते हो। और हमारा भी टारगेट यही रहेगा कि कोड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, देखो बेसिक्स तो आप ना हर एक चीज का ऑलरेडी पढ़ते आए हो, ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट अब यही रहेगा कि कोड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आपको डिटेल कवरेज प्रोवाइड की जाए। ठीक है, नाउ जो आपका नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क्स, यहां पर आप समझो बेसिक्स ऑफ पैकेट, सर्किट एंड वर्चुअल सर्किट, स्विचिंग, नेट, ईमेल्स। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे अगर, तो अभी तक आप सोच रहे होगे कि सब कुछ सिर्फ ऐड ही हुआ है, क्या रिमूव कुछ नहीं हुआ, तो यहां पर हुआ है रिमूव आपका। आप देखो यहां पर IPv6, Wi-Fi, नेटवर्क सिक्योरिटी, इन्हीं टॉपिक्स के कारण मैं आपको बोल रहा था कि जो चेंजेस हुए हैं ना वो आपके बेनिफिट के लिए हुए हैं। ये जो नेटवर्क सिक्योरिटी वाला पार्ट है, Wi-Fi वाला पार्ट है, IPv6 वाला पार्ट है, वो कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। अगर आप चाहो तो आप बेसिक्स इनका स्टडी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो तो इनका बेसिक नॉलेज तो आपको होना चाहिए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। लेकिन फिर भी गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये हटा ही दिया गया कंप्लीटली। लेकिन फिर भी बेसिक थ्योरी ना आपके माइंड में ऑलवेज रहनी चाहिए ऐसे टॉपिक्स की भी, लेकिन सिलेबस से कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। और यहां पर ये जो नई चीजें आपकी ऐड हुई है ना, अगेन मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि कहीं ना सभी के बेसिक्स आप ना पढ़ते ही हो, कहीं ना कहीं टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होते ही हैं। तो यहां पर ये जो टॉपिक आपके ऐड हुए हैं, आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम टॉपिक के बेसिक्स आपको पता है, आपको डिटेल में अब जाना है उनके लिए। और ईमेल्स आप बोल सकते हो कि आपको थोड़ा सा इसे स्टडी करना पड़ेगा, ये आप बोल सकते हो थोड़ा सा आपका एक अलग टॉपिक हो गया। लेकिन फिर भी सभी के सभी टॉपिक जो आपको यहां पर एडेड दिखाई दे रहे हैं, सभी के सभी का बेसिक्स आपको पता है, बस आपको अब थोड़ा डिटेल में जाना है क्योंकि प्रॉपरली ये मेंशन कर दिए गए हैं। तो अगर मैं एडिशन की बात करूं ना तो बहुत ही छोटा सा पोर्शन ऐड हुआ है, और अगर रिमूव की बात करूं तो बहुत ज्यादा अच्छा पोर्शन रिमूव हुआ है जो रिमूव होना चाहिए था। पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से? तो आप देख सकते हो कि आपके सिलेबस में कोई मेजर चेंजेस है नहीं। अब यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्वेश्चन का पैटर्न। ठीक है, क्वेश्चन किस किस पैटर्न में आने वाला है तो वो भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहां पर अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूं या क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बात करूं, तो आप देखिए आप जानते हैं कि 85 मार्क्स आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं और जो 15 मार्क्स होते हैं वो आपके एप्टीट्यूड के लिए होते हैं। यहां पर 85 मार्क्स को भी अगर मैं डिवाइड करूं तो आप जानते हैं कि 13 मार्क्स जो है वो मैथमेटिक्स के लिए है और 72 मार्क्स जो है आपके वो आपके हैं यहां पर बाकी के टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपका पहले का ही पैटर्न है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप आप जानते ही हैं कि आपको ऑप्शंस गिवन नहीं होते हैं, आपको क्वेश्चन रहेगा और आपको आंसर जो है फिल करना है खुद से, कोई ऑप्शन की हेल्प नहीं रहेगी आपके पास। यहां पर जो MSQ है, जो नया पैटर्न है, वो क्या है आपका मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। यहां पर होगा क्या, बेसिकली यहां पर आपके पास ना ऑप्शन होंगे, बेसिकली आपके पास ना चार ऑप्शन होंगे और उसमें से एक से ज्यादा आंसर्स या ऑप्शंस जो है वो आपके करेक्ट हो सकते हैं। अभी तक अगर आपको चार ऑप्शन गिवन है तो उसमें एक ही करेक्ट होता है, यहां पर आपके एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। और यहां पर जो पैटर्न है आपका कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी या मार्क्स आपको कितने मिलेंगे, तो देखो यहां पर सबसे अच्छी बात क्या है MSQ में कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, लेकिन मार्क्स कितने मिलेंगे आपको
वन मार्क का रहेगा तो वन मार्क मिलेंगे, टू मार्क का रहेगा तो टू मार्क्स मिलेंगे। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पार्शियल मार्किंग नहीं होगी। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि चार में से मान लो तीन ऑप्शन करेक्ट है और आपने दो लगा दिए तो वो पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना, एक भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, यहां पर पार्शियल मार्किंग नहीं है। जनरली एमएसक्यू वाले क्वेश्चन गेट के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर आइडिया देने वाला हूं कि कितने क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें एमएसक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर उनका एनालिसिस करते हुए मैं आपको आइडिया देने की यहां पर कोशिश करूंगा कि कितने क्वेश्चन आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैंने अभी एक लाइन बोली कि एमएसक्यू क्वेश्चन गेट के एग्जाम में नहीं पूछे जाते, क्या ये ट्रू है, क्या ये कोई नया पैटर्न है? बिल्कुल भी नहीं, ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आप ध्यान से देखो। लेट सपोज मैं एक डिजिटल का एग्जाम्पल ले रहा हूं। लेट सपोज आपको गिवन है कि ए लेस देन इक्वल टू बी है, क्लियर है पॉइंट, और आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट होगी। टोटल आपको यहां पर चार स्टेटमेंट गिवन है। एक स्टेटमेंट आपको गिवन है यहां पर ए बार प्लस बी इज इक्वल टू वन, एक स्टेटमेंट आपको गिवन है ए बार लेस देन इक्वल टू बी बार, एक स्टेटमेंट गिवन है ए बी बार इज इक्वल टू जीरो, और एक स्टेटमेंट आपको गिवन है ए बी बार इज इक्वल टू वन। तो आपको यहां पर चार ऑप्शन गिवन है, फिर ए बी सी डी, क्लियर है पॉइंट। और यहां पर आपको बोल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, यहां पर आपको बोल रहा है लेट सपोज फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, यहां पर आपको बोल रहा है फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, और ऐसे यहां पर भी एक ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे नहीं जा रहा हूं, बस आपको सिर्फ एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर ए लेस देन इक्वल टू बी बुलियन अलजेब्रा का आपका प्रॉब्लम है, और यहां पर आपको चार स्टेटमेंट दे दिया है कि अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है तो कौन कौन सी करेक्ट होने की चांसेस है। और यकीन मानो इसको अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो एक से ज्यादा करेक्ट है यहां पर, ठीक है। तो पहले क्या करता था, आपको ऐसे चार ऑप्शन अलग से दे देता था, अब क्या होगा, यही आपके चार ऑप्शन बन जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जो जो करेक्ट हो रहे होंगे, मतलब यही बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो जो जो करेक्ट हो रहे होंगे उनको आप टिक कर दो, ठीक है। एक और थोड़ा सा यहां पर आप बोल सकते हो कि कंफ्यूजन है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आने वाली है तो ऑब्जेक्टिव जो प्रॉब्लम आएगी आपकी इस तरह की, उसमें थ्योरिकल वाली प्रॉब्लम ज्यादा आएगी, ऐसा आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन आएंगे इसमें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन पूरे ही थ्योरी होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। देखो मैंने एक एग्जांपल भी दिया आपको, तो ये एग्जांपल देने का दो रीजन था कि इस तरह के क्वेश्चन पूरे ही थ्योरिकल हों ऐसा जरूरी नहीं है, और दूसरा ये था कि इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। देखो बहुत सारे आप देखोगे क्वेश्चन जिसमें लिखा होता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी लिखा होता है, ऑल ऑफ अबव, तो इसका मतलब भी तो यही है कि तीनों के तीनों करेक्ट हैं। तो बस यही तो है, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है आपके। अब यहां पर डायरेक्टली इसको नाम दे दिया गया है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से। और अब आते हैं कि इस तरह के कितने क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह के ना आप 11 टू 12 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो और एग्जाम्स होते हैं ना तो उनके अकॉर्डिंग यहां पर मैं बता रहा हूं कि 11 टू 12 क्वेश्चन आप इस तरह के एक्सपेक्ट करोगे, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर एमसीक्यू और नेट, इनके बारे में ब्रीफ में बता रहा हूं आपको, वैसे आपको आइडिया होगा ही। एमसीक्यू में फोर ऑप्शंस हैं, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर वन मार्क का प्रॉब्लम है तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1/3, और अगर टू मार्क्स की प्रॉब्लम है तो 2/3, पॉइंट क्लियर है। और जो आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप है उसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है, जो एक नई इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई पार्शियल मार्किंग भी नहीं है, क्लियर हुआ पॉइंट अच्छे से। तो ये कोई नई चीज नहीं है, इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, और ऐसा भी सोचने की जरूरत नहीं कि सारे के सारे थ्योरी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, क्लियर। एट लास्ट ना मैं आपको दो इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको स्टार्ट में दी थी उसी को दोबारा से रिपीट करूंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर मुझे मेंशन करने हैं। पहला तो मैंने ये बोला था कि इस बार थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको नॉलेज भी है इस चीज का, ठीक है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जब एलिजिबल हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको जो फाइनल एडमिशन के लिए आप जाओगे वो आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही जाओगे, मतलब फोर्थ ईयर के बाद।
तो पेपर वाइज अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा पेपर वाइज, लेकिन एडमिशन वाइज या जॉब वाइज कॉम्पिटिशन बिल्कुल इंक्रीज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट जो फोर्थ ईयर में है या पास आउट है, वो ये मत सोचो कि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है, और कॉम्पिटिशन बढ़ गया तो अच्छा है ना, और ज्यादा हमें एफर्ट लगाना है, लेकिन एडमिशन वाइज कॉम्पिटिशन बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। और एक और पॉइंट मुझे कहना है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को, इवन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा कि अब अपना प्लानिंग शुरू कर लो। अगर थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं तो आपकी प्लानिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए कि आपको प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी है। सेकेंड ईयर वालों को तो कोई प्लानिंग स्टार्ट ही नहीं करनी है, बस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अपनी अब। ठीक है, क्योंकि अगर आपको थर्ड ईयर में एग्जाम देना है तो सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आज के कॉम्पिटिशन लेवल को ध्यान में रखते हुए। लेकिन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बिना प्लानिंग स्टार्ट कर दो कि कब से आप करना चाहते हो प्रिपरेशन, सेकेंड सेमेस्टर से करना चाहते हो कि थर्ड सेमेस्टर से करना चाहते हो। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सेकेंड सेमेस्टर से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते, आप एक से दो सब्जेक्ट जो बेसिक सब्जेक्ट हैं उनसे आप स्टार्ट जरूर ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप डिटेल में प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो। पॉइंट क्लियर है। और एक और पॉइंट जो मुझे यहां पर मेंशन करना है वो ये है कि यहां पर ना जो मैंने स्टार्ट में बोला था कि आप इस बार दो सब्जेक्ट से एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, मैथमेटिक्स है आप लोगों के लिए, तो ना आपका टारगेट अगर कंप्यूटर साइंस है एज अ फर्स्ट सब्जेक्ट, और अगर आप दो सब्जेक्ट से एग्जाम देने भी वाले हो, ठीक है, दो ब्रांच से अगर एग्जाम आप देने भी वाले हो, तो अपना ना एक टारगेट ऑलवेज फिक्स रखना। ठीक है, कॉम्पिटिशन लेवल बहुत हाई है, तो अगर आप दो दो जगह जाओगे, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए अपना टाइम अगर दोनों जगह डिवाइड करोगे तो हो सकता है किसी एक में भी कुछ अच्छा अचीव ना कर पाओ। हाँ, अगर आपका टारगेट मैथमेटिक्स है, आपको उसमें आगे बढ़ना है, तो आप जरूर प्रिपरेशन करो, लेकिन अगर आपका टारगेट कंप्यूटर साइंस है और आप बस मैथमेटिक्स फेल कर रहे हो, तो वहां पर आप अपना टाइम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मत दो, अपना मेन टारगेट ऑलवेज एक ही बना के चलो। ठीक है, इसमें कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको यही बोलूंगा कि टीम डीजी मेंटो जो है आपकी हेल्प के लिए ऑलवेज अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, या आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, कोर्स कवरेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या और कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, तो आप ऑलवेज हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।